जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई, और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय श्लोक 21 से 34। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। 21 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालक्षिणे पुण्यमृत्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागंतम काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ है वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्गलोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। 23 ये उपयन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन् विधि पूर्वकम। इसका अर्थ है हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। 24 अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभु रेव च न तु माम भी जानन्ति तत्वे नातश्यवन्ति ते। इसका अर्थ है मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्धाजिनोऽपि माम। इसका अर्थ है जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। 26 पंत्रम पुष्यम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहृतम श्रामि प्रयतात मनः। इसका अर्थ है जो मनुष्य एक पत्ता एक फूल एक फल थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। 27 यत करोषि यदश्रांसि यजुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। इसका अर्थ है हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है जो भी खाता है जो भी हवन करता है जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। 28 शुभा शुभ फले रेवम मोक्ष्य से कर्म बंधने है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेश्यसि। इसका अर्थ है इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। 29 सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
इसका अर्थ है मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में ना किसी से द्वेष रखता हूँ और ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। 30. अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन्य भाक साधु रेव शमंतव्य शम्य गव्यवस्थितो हि सः। इसका अर्थ है यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। 31. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व चछन्तीं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसका अर्थ है हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है, इसलिए तू निश्चित होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। 32. माम ही पार्थ व्यापाश्रुत्य येपि शिवो पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। इसका अर्थ है हे पृथा पुत्र, स्त्री वैश्य शूद्र अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हो, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। 33. किम पुनः पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्ता रजस्त्रियस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम। इसका अर्थ है तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों भक्तों और राजस्त्री क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है, इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। 34. मन मना भव भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्तत्वे मात्मानम मत परायणः। इसका अर्थ है हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम नवमो अध्यायः। इसका अर्थ इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।